खड़ी हुई है आपको लेके कि आपको ऋतिक का लोकल लाइक बनाया गया और उसको इंसल्ट किया गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल ही गलत इंसिनुएशन है, एक गलत इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। मैं ऋतिक का लुक अलाइक बिल्कुल नहीं हूँ किसी भी एंगल से। आप सब मुझे देख सकते हैं आज टेलीविज़न पे, और आप देख लीजिए किसी भी एंगल से मैं उनके जैसा नहीं दिखता हूँ। उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, मेरी एक अलग पर्सनैलिटी है। इफ़ ही इज़ गुड लुकिंग, आई एम नॉट बैड ईदर। सिर्फ बात यह है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स ने इस चीज़ को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल दिया है, इस कॉन्ट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा उछाला है कि लोगों ने इसको राई का पहाड़ बनाने वाली बात जैसे होती है वैसे बना दिया है। ऋतिक एक बहुत ही कामयाब और प्रसिद्ध एक्टर हैं, आजकल के सफल कलाकार हैं, और आई सल्यूट हिम फॉर दैट। और लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनकी इस रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में मुझे लाइट मिले। आई एम नॉट अ मून हु विल शाइन इन सन्स ग्लोरी और सन्स लाइट। आई एम अ सन ऑन माई ओन बिहाफ इन माई ओन राइट। मुझे नहीं ज़रूरत किसी भी किस्म के कंपैरिजन की। अगर लोग हाँ कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारी एक्टिंग को कंपेयर करें, हमारी शक्लों को कंपेयर करने का कोई तुक नहीं बनती है। उनकी शक्ल बिल्कुल जुदा है मेरी शक्ल से। हाँ, हमारी एक्टिंग को, हमारी पर्सनैलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। मैं ये चाहूँगा। तो क्या आपके पास कोई रबीश रोशन या ऋतिक का कोई लेटर आया था कि उनको बुरा लगा या कुछ हुआ? देखिए, नॉट कंसर्नड आपको चेक। देखिए, राकेश जी का या ऋतिक जी का कोई भी लेटर मुझ तक तो नहीं आया। जो कुछ भी उन लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए कहा या प्रेस के ज़रिए ही उन्होंने अपने बयान दिए, और मैं नहीं चाहूँगा कि इस वजह से वो लोग मेरे पास आए भी, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत बात होगी कि वो इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट होल्ड करें। डेलिब्रेटली तो मैंने ऋतिक जैसा गेटअप किया नहीं है उसके अंदर। वो एक गेटअप ऐसा है जो कोई भी लगा सकता है। वो शाहरुख खान ने भी बादशाह फिल्म में किया था, गोविंदा ने भी कई फिल्मों में वैसा गेटअप किया हुआ है, अक्षय कुमार ने भी फिल्मों में गेटअप किया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये शाहरुख खान जैसा है बादशाह फिल्म में जैसा, या अक्षय कुमार जैसा है मिस्टर बॉन्ड जैसी फिल्म में, या किसी और फिल्म में। और फिर मैं तो पेप्सी के लिए पहले भी एक ऐड कर चुका हूँ, वो फरवरी या जनवरी में रिलीज़ हुई थी। तब तो ऋतिक की फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी, या शायद तभी ही रिलीज़ हुई थी, और ऋतिक तब इतने बड़े स्टार नहीं थे। तब किसी ने नहीं कहा कि मैं ऋतिक जैसा लग रहा हूँ। मैं उस फिल्म में मेन मॉडल था, जो पेप्सी का पहले ऐड मैंने किया था। मेरी समझ से ये बाहर है कि ये कंट्रोवर्सी अब क्यों खड़ी की जा रही है। मैं एक बडिंग एक्टर हूँ, और मेरे लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ही इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू माय करियर, टू माय फ्यूचर। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे तरुण खन्ना के तौर पर लीजिए, मुझे मेरे ही तौर पर लीजिए, मेरी अपनी पर्सनैलिटी के तौर पर लीजिए। अच्छा हूँ तो पसंद कीजिए, नहीं पसंद हूँ तो नकार दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। अच्छा, एक्चुअली ही सपोज टू बी अक्षय कुमार, नॉट ऋतिक खन्ना। ओके, द आइडिया वाज टू मेक हिम इनटू अक्षय कुमार। नाउ अक्षय कुमार ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी, किसी और ने चिट्ठी लिख दी, अभी अफसोस की बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ओके, इस कंट्रोवर्सी के बाद आप किस तरह के एड्स करना चाहेंगे, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? देखिए, मेरी अब तक की जो पर्सनालिटी रही है, जो जिस तरह के एड्स मैंने किए हैं, तो कंसर्न हैं, उन्होंने भी पहले रिएक्ट नहीं किया, उन्हें भी शायद लगता है इंस्टिगेट किया गया है, भड़काया गया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी बात थी जितनी बना दी गई है।